गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। इस वीडियो में जितना भी टॉप क्वेश्चन रहे हमने इसे डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट है 26 सितंबर 2024। सो देखते हैं आज की क्या करंट अफेयर रहे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली लॉन्चेस डिवाइस ब्लाइंड साइट फॉर ब्लाइंड पीपल। ब्लाइंड पीपल के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो ब्लाइंड पीपल रहे उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। याद रखिए, ये जो ब्लाइंड पीपल के लिए जो डेवलप करवाया गया है, ये मतलब ब्लाइंड पीपल के लिए, ये ब्लाइंड पीपल इसके थ्रू देख सकेंगे। याद रखना, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? ये है न्यूरालिंक। ऑप्शन बी से ही होगा, न्यूरालिंक। ये एलन मस्क कंपनी जो कि ये डेवलप की है ये डिवाइस, मतलब इसके थ्रू जो ब्लाइंड पीपल रहे ये देख पाएंगे। एंड और भी एक याद है कि जो एलन मस्क कंपनी ने और एक भी चिप जो कि लॉन्च करवाया था, चिप डेवलप की थी, इसका नाम है जो कि लिंक नाम की। ये एक चिप जो कि डेवलप की थी किसने? ये एलन मस्क कंपनी ने। ये मतलब ऐसा है कि एक चिप है, याद रखिए, एक चिप है ये जो कि इसके थ्रू ये ब्रेन में फिट की जाएगी। याद रखिएगा, ब्रेन में ये फिट किया जाएगी। एंड बात करते हैं जो कि एलन मस्क के बारे में, इसका जो कि एक स्पेस कंपनी रहे उसका नाम है स्पेस एक्स। एंड ट्विटर का नाम भी चेंज करके जो कि एक्स करवाया गया है। एंड टेस्ला की भी ओनर होती है एलन मस्क। सो याद रखिए ये डिवाइस के बारे में। सो आगे देखते हैं, ये आपके सामने रहे नंबर टू की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस होस्टेड एट विच प्लेस, कौन सी प्लेस में होस्टेड करवाया गया है? ये होस्टेड करवाया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए से होगा, न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में जो भारत मंडपम रहे ना, भारत मंडपम जो कि प्रगति मैदान इसमें ये इनाग्रेट करवाया गया है। याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस। एंड इसमें जो पार्टनर कंट्री ना है ना, पार्टनर कंट्री आपको पूछे तो वो है जापान जो कि पार्टनर कंट्री रहे इसमें। एंड कौन सी डेट में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था? ये 19 सितंबर। याद रखिएगा, एंड ये जो एडिशन था, ये जो कि थर्ड एडिशन हो रहा था। एंड याद रखिएगा, और ये जो मिनिस्ट्री, ये जो होस्ट की जा रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड जो प्रोसेसिंग रहे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, उसका नाम क्या है? चिराग पासवान, जो ओम बिला पासवान की बेटा है चिराग पासवान। याद है चिराग पासवान, ये जो देख रहा है स्क्रीन में। याद रखिए चिराग पासवान जो कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड जो प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, ये चिराग पासवान। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करने का मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव जो रहे, ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रमोट इन्वेस्ट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया, टू प्रमोट फूड इंडस्ट्री इन इंडिया, टू प्रमोट फूड इंडस्ट्री इन इंडिया में जो प्रमोट करना, इसका मेन उद्देश्य रहे। बस याद रखिएगा, आगे की तरफ देखते हैं। ये रहे आपके सामने नंबर टू की क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है? इन रिसेंटली NPS यानी NPS वात्सल्य स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 18 सितंबर बाई व्हिच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो लॉन्च करवाया गया है 18 सितंबर में, कौन सी स्कीम? ये स्कीम के बारे में याद रखिए, NPS वात्सल्य स्कीम ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है फिनेंस मिनिस्ट्री, यानी ऑप्शन ए से ही होगा। यही है NPS वात्सल्य स्कीम, ये किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है? फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। याद रखिए, ये फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब क्यों लॉन्च करवाया गया हमने डिस्कस करेंगे। ये स्कीम के बारे में, मतलब बारे में भी, जो यूनियन 2024 में जो बजट पेश की गई थी ना, इसमें भी इसके बारे में बताया गया था कि ये स्कीम आने वाला है, इसमें भी ये बताया गया था। याद रखिए, ये बजट में भी ये इसके बारे में डिस्कस करवाया गया था। ये एक मतलब एक पेंशन स्कीम है,
जैसे कि जो एक पेंशन की तरह ये काम करेगी। याद रखें ये एक पेंशन स्कीम है, पेंशन की तरह काम करेगी। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव आपको पूछे तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। याद रखिए, जो कि बच्चों के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, जो अटल योजना जैसे रहे। याद रखिए, उसी तरह ये एक स्कीम काम करेगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। अक्टूबर डेट है अक्टूबर 7 नवंबर 2024 में ये स्टार्टेड करवाया गया है। बस याद रखिए, NPS वात्सल्य स्कीम लॉन्च्ड बाय श्रीमती निर्मला सीतारमण, फिनेंस मिनिस्ट्री जो कि हमारा रहे। और ये जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ये है नितिन गडकरी, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा। आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 4 की क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन है, ये है सुरेश कुमार, यानी ऑप्शन डी से ही होगा, सुरेश कुमार काट, सुरेश कुमार काट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुरेश कुमार काट, ये रहे जस्टिस। याद रखिएगा, ये सुरेश कुमार काट जो कि ऑप्शन, और याद रखिएगा ये जो जज बने हैं उससे पूर्व, सुरेश कुमार काट के पूर्व जो दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, ये सुरेश कुमार काट जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की, ये जज थे सुरेश कुमार काट दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, याद रहेगा। और भी एक याद रखना, ये जो जजेस के बारे में, ये जो चीफ जस्टिस के बारे में, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के बारे में कौन सी आर्टिकल में रिप्रेजेंट रहे, 217 आर्टिकल में ये डिपिक्ट करवाए गए हैं, आर्टिकल में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। एंड ये किसके द्वारा ये नियुक्त की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा। एंड क्वालिफिकेशन आपको पूछे तो, मतलब एक चीफ जस्टिस होने के लिए, जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक क्वालिफिकेशन ऐसा है कि 10 ईयर उनके अभिज्ञता होना चाहिए, जो कि 10 ईयर का एडवोकेट होना चाहिए, एक एडवोकेट एडवोकेट की जो कि रहना चाहिए, एंड या फिर जो कि उनके कार्यकाल 10 ईयर होना चाहिए एक एडवोकेट की। बस याद रखिए, ये है सुरेश कुमार कट। एंड सो आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 5 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनस मिशन इज ए न्यू टारगेटेड मिशन ऑफ अपकमिंग ईयर एंड इट विल लॉन्च्ड ऑन व्हिच ईयर। ये वेनस मिशन जो कि अपकमिंग टारगेटेड मिशन है इसरो की, टारगेट में अपकमिंग जो कि ईयर, इट विल लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर, याद रखें ये कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया है, करवाई जाएगी जो कि टारगेटेड मिशन, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ये क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी से ही होगा, 2028। ये एक इसरो की मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा, एंड इसके जो चीफ रहे वो है एस सोमनाथ, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर जो कि बेंगलुरु में रहे। एंड सो याद रखिएगा, जो कि ये वेनस की, वेनस वेनस जो कि अर्थ की ट्विंस भी कहा जाती है, वेनस, ये वेनस को अर्थ की ट्विंस यानी जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा बहन, याद रखिएगा, ट्विंस प्लैनेट, ये ट्विंस प्लैनेट कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके तहत जो कि गवर्नमेंट में लगभग 1236 करोड़ की बजट भी इसमें फेस की, याद रखिएगा। एंड और भी एक मिशन रहे, क्या आपको याद है, जो चंद्रयान 3 भी तो सक्सेस के बाद चंद्रयान 4 की भी अनाउंसमेंट करवाया गया है। चंद्रयान 4 कौन सी ईयर में ये लॉन्च करवाया जाएगा, ये भी उनके भी द्वारा बताया गया है, ये जो लॉन्च करवाया जाएगा 2027 में ये लॉन्च करवाया जाएगा, कौन सा मिशन, चंद्रयान 4, ध्यान से सुनना। एंड इसमें जो बजट जो एलोकेटेड करवाया गया है, बजट जो दिया गया है वो है 2104 की,
4 करोड़ की। सो बस ये जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है सभी को याद रखिएगा। आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे आपके सामने नंबर 6 क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नालको, नालको की किसने बने हैं। एंड ये जो नालको है ना, नालको पहले ये नालको का फुल फॉर्म जान लो। नालको यही है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए, ये है नालको, नालको की फुल फॉर्म है। एंड इसके जो अपॉइंटेड के चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वो है, ऑप्शन में जो देख रहे हैं ये विजेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी से होगा विजेंद्र प्रताप सिंह। एंड बात करते हैं ये नालको के बारे में, नालको जो कि ये एस्टेब्लिशमेंट भी आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिए एस्टेब्लिशमेंट है 1981। इसका हेडक्वार्टर आपको उड़ीसा में मिलेगा। उड़ीसा की कौन सी प्लेस में पूछे तो ये है भुवनेश्वर में, याद रखिएगा भुवनेश्वर की जो कि उड़ीसा में मिलेगा। एंड उड़ीसा की सीएम आपको पूछे तो मोहन मांझी, गवर्नर है रघुवर दास एंड कैपिटल है भुवनेश्वर। सारी जानकारी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर उड़ीसा में रहे नालको, नालको की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। बस आगे देखते हैं, ये रहे आपके सामने नंबर 7 की क्वेश्चन। हुरिकेन बोरिस, याद रखिएगा ये हुरिकेन बोरिस होगा, ये बोरिस नहीं, ये आर करने ला, ये बोरिस, हुरिकेन बोरिस, ये जो कि रिसेंटली ये सितंबर में अफेक्ट करी है। कौन सी कंट्री, विच कंट्री रिसेंटली अफेक्ट की है, ये जो अफेक्ट की है ना ये यूरोप, याद रखिएगा ये यूरोप को अफेक्ट की है। एंड ऑप्शन बी से होगा यूरोप, याद रखिए। और भी एक याद रखना, हमने भी इसके बारे में डिस्कस की है, क्या आपको याद जो जापान में एक हुरिकेन देखने को मिला था, कौन सी हुरिकेन, हुरिकेन अम्पिल, ये जो कि पैसिफिक ओशन में, याद रखिए पैसिफिक ओशन में ये देखने को मिला था एंड संगठित होकर जो कि जापान में अफेक्ट की थी। और एक भी एशिया में भी देखने को मिला था, ये एशिया में भी और एक देखने को मिला था, कौन सी, एशिया एंड चाइना में जो कि याद रखिए तूफान बेबिनिका, ये जो कि एशिया में अफेक्ट की थी। एंड बस याद रखिए ये जापान हुरिकेन नाम पे लिए पैसिफिक ओशन में ये देखने को मिला था। एंड ये अभी करेंटली रहे जो कि हुरिकेन बोरिस, ये यूरोप से रिलेटेड है। बस आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 8 की क्वेश्चन। स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जाती है। एंड जितना भी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं में ये डिस्कस की जाती है। ये क्वेश्चन में यही रहे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, ये इसका मिनिस्ट्री कौन है वो है, याद रखिए जो बने हैं किसने बने हैं रिसेंटली जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, वो है मनु भाकर, ऑप्शन सी से होगा मनु भाकर, जो कि मनु भाकर एक शूटर है, एंड ये जो कि बिलोंग कर रहा है कौन सी प्लेस से, बिलोंगिंग फ्रॉम हरियाणा से ये रिलेटेड रहे। एंड क्या आपको याद है जो कि ओन की है जो कि 2 मेडल ओन की है पेरिस ओलंपिक में, जो कि दोनों मेडल ओन की है पेरिस ओलंपिक में, एक तो रहे ये इवेंट पूछा जा सकता है कि जो 10 मीटर राइफल पिस्तल में 10 मीटर ए आर पिस्तल जो कि पिस्तल मिक्स्ड इवेंट में, जो कि मिक्स्ड में ये ओन की है जो कि ब्रॉन्ज मेडल एंड 10 मीटर में भी ओन की है। एंड दूसरा जो रहे वो है 10 मीटर जो कि एयर पिस्तल सिंगल में ये ओन की है ब्रॉन्ज मेडल। बस आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे जो कि मनु भाकर के बारे में, ये थी गई है मनु भाकर जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बस ये जो कि फोर्ट्स एंड जो शिपिंग
वाटर वेल्स रहे इसके जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने, याद रखिए मनुभाकर। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 9 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79,156 करोड़ बजट हैज बीन एलोकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अभियान, अभियान कौन से अभियान के लिए ये एलोकेटेड कर रहा है, कौन सी ये जो देख रहे हो कौन सी अभियान, पीएम किसान निधि योजना या फिर पीएम कृषक बसेरा योजना अभियान या फिर चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट अभियान या फिर पीएम ट्राइबल अभियान, यही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही है। याद रखिए ये जो कि एलोकेटेड करवाया गया है 79,156, ये जो देख रहे हो 79,156 करोड़ की बजट ये एलोकेटेड करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड इसमें भी गोल रहे, गोल ये 4 गोल रहे, इसमें टोटल 4 गोल रहे, ये यहाँ 2 रहे एंड और भी दोनों गोल यहाँ रहे। याद रखिए गोल तो रहे डेवलपिंग द इनेबलिंग इंस्ट्रक्शन जो कि जो ट्राइबल पीपुल रहे ना, ट्राइबल पीपुल के लिए ये लॉन्च करवाए गए, बस याद रखिएगा। जितना भी विलेज रहे लगभग 63,000 विलेज बेनिफिट होगा जो कि 5 करोड़ ट्राइबल पीपुल के साथ। बस आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे आपके सामने आज की लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो कि इन रिसेंटली सुभद्रा योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में सुभद्रा योजना, ये है उड़ीसा, ये सुभद्रा योजना जो कि उड़ीसा से रिलेटेड रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर उड़ीसा। एंड इसमें जो एलिजिबल जो ओमियान रहे, इसमें जो एलिजिबल जो ओमियान रहे ये है जो कि एज जो 21 से 16 में रहे, 60 में जो एज रहे ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब एनुअली, याद रखिएगा ये इसमें ऐसा ही बताया गया है कि जो एनुअली 10,000 रुपीज़ दी जाएगी एनुअली एंड टू इंस्टॉलमेंट में अब तक मतलब 17 सितंबर में ये 5,000 मिल चुकी है एंड और भी ये और एक फेज में ये दी जाएगी, मतलब ऐसे करके जो टोटल जो इसमें जो बजट रहे ना, टोटल इसमें जो लागत आने वाला है जो देन दिया जाएगा वो है 50,000 की, 50,000 जो कि 5 ईयर में, बस यही है याद रखिएगा। एंड याद रखिए अदर भी जो ओडिशा से रिलेटेड रहे तो और भी एक जान लेते हैं, ओडिशा से रिलेटेड रहे ये क्वेश्चन तो हमने पूरे डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। ओडिशा से और भी स्कीम रहे, ये तो ओडिशा से ही आंसर होगा, याद रखिए ओडिशा से आपको अदर स्कीम के बारे में पूछे तो वो है BSKY कार्ड, बिजु स्वास्थ्य कल्याण जो कार्ड रहे ये ओडिशा से, एंड बिजु कृषक कल्याण योजना याद रखिएगा, एंड यानी बिजु कृषक कल्याण योजना एंड इसका शॉर्ट फॉर्म आपको पूछे तो वो है BKKY एंड ममता स्कीम, याद रखिए ममता स्कीम भी ये ओडिशा से है, एंड वसुंधरा स्कीम ये भी ओडिशा से है, एंड अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना ये भी उड़ीसा से है याद रखिए। और भी एक याद आ रहा है जो बिजू गांव गड्डी योजना ये भी उड़ीसा से है। सो फ्रेंड ये जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहे हैं सभी को याद रखिएगा, ये मतलब सुभद्रा योजना में टोटल 50,000 तक दी जाएगी 5 ईयर में, एंड इसमें जो एलिजिबिलिटी वुमेन रहे 21 to 60, बस यही है ये योजना की मूल उद्देश्य। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलेगा, एंड सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।